किसान भाई नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश गिरी। दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं मिर्जा साहेब पशु बाज़ार में, जो खलीलाबाद स्टेशन, जो मेन खलीलाबाद, जो बस्ती रोड जो डायरेक्ट गोरखपुर निकला हुआ है, जो ये रोड देख सकते हैं इसको आप, ये नेशनल हाईवे है, इसलिए डायरेक्ट गोरखपुर गया हुआ है। खलीलाबाद से होते हैं, खलीलाबाद से मात्र दूरी पड़ता है 2-3 किलोमीटर दूरी पड़ता है, दूरी मात्र है 2-3 किलोमीटर। यानी बस्ती रोड से अगर आप आएँगे तो पड़ेगा खलीलाबाद, खलीलाबाद से आप डायरेक्ट पहुँचेंगे मिर्जा साहेब पशु बाज़ार, जो डायरेक्ट आपको कोई भी बस चाहे लखनऊ चाहे वहाँ से अगर पूछेंगे तो आपको ला के डायरेक्ट यहीं पर छोड़ेगा। इसको मैं अभी अंदर चल रहा हूँ इस बाज़ार के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे रहने खाने का फुल व्यवस्था है और ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था, आपको मैं ट्रांसपोर्ट का वीडियो बनाऊंगा अभी। दोस्तों मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ बाज़ार के मालिक से, जो यहाँ के जो बाज़ार के मालिक हैं, आपको यहाँ पे कुछ जानकारी भी मिलेगी उनके द्वारा कि इस बाज़ार में क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं। अभी तो ये हम कम से कम करीब 10-11 बज रहे हैं, यानी कुछ मंडी दिन हो चुका है। आज का दिन है बुधवार और ये प्रत्येक बुधवार और प्रत्येक संडे को यानी रविवार को लगती है मंडी। आप यहाँ पे यानी खाने का रहने का हर व्यवस्था यहाँ पे दिया हुआ है भी, आप सामने लीजिए। भाई साहब नमस्कार, भैया देखिए मंडी के मालिक हैं, इनसे आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सर अभी बताइए यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएँ आपके यहाँ हैं? हमारे यहाँ व्यापारियों के लिए सारी व्यवस्था है, जैसे सोने के लिए खटिया, गद्दा, रजाई, जी कमरे बनवाए हैं, जी ताकि बांधने के लिए डावरी, जी पेड़ पालो सब कुछ लगे हुए हैं, जी जगह जगह 3 शेड लगवा दिए हैं, जी ताकि रात बिरात सोने बैठने पशुओं के लिए जी कहीं दिक्कत परेशानी ना हो। यानी मंडी की किस दिन लगती है ये मंडी? जो लगती है रविवार को लगती है और बुधवार को लगती है। बुधवार को लगती है, यानी प्रत्येक रविवार और बुधवार। सही पे जो आपके यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट की सुविधाएँ हैं यहाँ पे कैसी हैं? हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधाएँ हैं, किसी चीज़ का कोई कमीशन नहीं है। व्यापारी अपने खुद गाड़ी लगाते हैं, मंडी में गाड़ी उपलब्ध रहती है, जी गाड़ी खोजनी नहीं पड़ती। यानी यहाँ से यानी कोई व्यापारी यहाँ से आया है अगर गाय भैंस खरीदे यहाँ से तो उनको यानी हर ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, उसमें कोई कमी तो नहीं आएगी? नहीं यानी सुविधाएँ पे है ट्रांसपोर्ट की? ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं और बिल्टी का 1 रुपया नहीं चार्ज लिया जाता है, जी ना मेडिकल का चार्ज लिया जाता है, जी ये सब हमारे बाजार की तरफ से फ्री। अच्छा यहाँ पे एंट्री फीस कहाँ लगता है एक पशु के ऊपर? एक पशु के ऊपर 150 बेचने वाले हैं, 150 खरीदने वाले। जी नहीं, जो ऐसे एंट्री होता है यहाँ पे उसका चार्ज नहीं लगता है? कोई चार्ज नहीं लगता। जैसे कि जुबे मंडी में एंट्री करने पर तो 20 रुपया लगता है एक पशु के ऊपर? यहाँ कोई चार्ज नहीं लगता है, जी केवल लिखाई पढ़ाई जो होता है जो व्यापारी खरीद फरोख्त करते हैं, जी 150 बेचने वाला, 150 खरीदने वाला। और गाय के बारे में क्या लगता है? जी गाय के लिए कितना लगता है खर्चा आता है? बस सेम है, 300 का भी लगता है, 150 बेचने वाला, 150 खरीदने वाला, नहीं वही रेट है। जी देखिए दोस्तों ये हमारे बाज़ार मालिक हैं, मैं इनका कुछ नंबर दे रहा हूँ, संपर्क नंबर जो है भी आप आना बता दीजिए, आपका नंबर दे दीजिए। जी आपका नंबर 9936 11 92 70। आपका शुभ नाम क्या पड़ता है? विक्रम। जरा आप हमको सामने आइए, हम कुछ वीडियो बना लें यहाँ का। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये हमारे, आपने देखा होगा कि हमने बहुत वीडियो बनाया, अब कोई मंडी मालिक सामने नहीं आता था, उन्होंने हमको बुलाया यहाँ पे। अब कुछ लास्ट चल रहा है यहाँ पे, हम कुछ यहाँ पे पहुँचे हैं देर में, यहाँ पे कुछ पशु कम दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे पशु ज़्यादा आते हैं। यानी आपको हर व्यवस्था यहाँ पे मिलेंगी खाने पीने का, ये देख सकते हैं आप। अरे तबीयत खराब, मैं आपको भी बनाऊँगा बेटो, ट्रांसपोर्ट की सुविधा बताता हूँ कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसे की जाती है। दोस्तों आप लोग देखते हैं यहाँ पे बहुत जगह पड़ा हुआ है, यहाँ पे कटरिया भी आती है, यहाँ पे ना पड़िया भी आती है, यानी यहाँ पे आपको हर सुविधाएं मिलेंगी, इसमें कोई दिक्कत आपको सभी को नहीं आएगा। मैं आपको ले चलता हूँ किसान भाइयों के पास। ये भैंस बिक चुकी है भी? नहीं बिकी है ये भैंस? बिक चुकी है आपकी? है सामने आप आइए, देख सकते हैं
किसान भाई की भैंस है। भैया जब क्या नाम पड़ता है आपका? समीम। समीम भाई जी, अब जो भैंस आप भैंस लेकर आए, आप कितनी भैंस लेकर आए यहाँ पे? यहाँ पर जी जी छः भैंस। बिक गई की कितने बिकी आपकी? बिक गई पाँच खड़ी। पाँच खड़ी है। इसका आप क्या दाम बता रहे हैं? इसका कम से कम बताइएगा कि जो कम से कम 42,000 लास्ट और आखिरी? नहीं नहीं देखिए आप ये बताइए कि कम से कम इसके कितने में छोड़ देंगे कि कोई व्यापारी इसका देखे भी जो हमारा कम से कम उसको जानकारी ये रहे कि हाँ अगर वहाँ पे जाएंगे तो हमको भैंस सस्ती मिलेगी और वहाँ पे सटीक दाम लगता है, तो गलत दाम नहीं लगता। ठीक है सर, आप दाम बताइए। ठीक है, क्योंकि पहला वीडियो यहाँ का है तो आप बताइए कैसे कम। इसके नीचे क्या पड़िया पड़ा क्या है? इसके नीचे पाड़ा है। पाड़ा है जिसको आप आगे बढ़ाइए थोड़ा सा। ये आप देख सकते हैं मिर्जा साहब पशु बाजार का मंडी का भैंस ये है। यानी छोटी भैंस है, बड़ी भैंस नहीं है। घुमाइए घुमा लीजिए घुमा लीजिए चाचा, घुमा लो घुमा लो ला घुमा लो भैंस भैया नहीं कोई भी जापान में है वैसिया पान है वैसिया लाओ लो और लो भैया। अभी बताइए जैसे क्या आप यहाँ भैंसा आप लेकर आते हैं तो आपको सब सुविधाएँ मिलती है? नहीं मिलती है, यानी यानी पर हर सुविधा यहाँ पे है, पानी का रहने का व्यवस्था फुल व्यवस्था यहाँ पे है ना, रहने का खाने पीने का सब व्यवस्था सब व्यवस्था यहाँ पे इस मंडी में। यानी अभी कोई भी व्यापारी किसान भाई आकर उसको घाटा नहीं होगा, नफा होगा, फायदा होगा? नहीं नहीं फायदा होगा के लिए आया हूँ। जी 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 इसके बाद कितना पड़ता है दूध? कितना दूध बताइए इसका? दूध तो इसके नीचे 6 किलो पड़ेगा। दूध 6 किलो है। इसका प्राइस कुछ कम बताइए आप जो ज़्यादा बता रहे हैं सामने भाई। आप इसका बताइए जो दाम इसका बताइए कम से कम बताइए। दाम कम से कम 42 बताए और 40 के खाने नहीं बेचे। अच्छा 40 खाने नहीं बेचेंगे एकदम लास्ट और आखिरी है? लास्ट उड़ा के 40। जी 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 जी। इसका आपका नंबर क्या पड़ता है आपका? हाँ आपका नंबर क्या है? नंबर जी जी मोबाइल नंबर जी 73 55 1915 1921। आपका शुभ नाम पड़ता है समीम। आपके पास कोई भैंस है अच्छी भैंस बताइए जो जात थन किए हुए और अच्छी क्वालिटी में भैंस नहीं है? और उससे अच्छी भैंस देखिए। हाँ अंदर चलते हैं देख लीजिए। देखिए अभी उतारने का व्यवस्था है, लादने का व्यवस्था है। आप देख सकते हैं आप दोस्तों यहाँ पे गाय आई थी सब, यानी सब सेल हो चुकी हैं गाय यहाँ पे, इसलिए गाय ख़त्म हो चुकी हैं। यानी सब गाय सेल होकर ख़त्म हो गई, यानी एकदम जानिए लास्ट बाजार का चल रहा है, हम बहुत लास्ट में पहुँचे हैं। आप ये जान लीजिए कि गाय आई थी सेल हो चुकी है, यानी गाय सब निकल गई यहाँ से, इसलिए कुछ पशु भी कम दिख रहे हैं। नहीं नहीं यहाँ पे देख सकते हैं भाई बहुत व्यवस्था है, कम से कम बहुत लंबा जगह पड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे व्यापारी बढ़ते जाएंगे तो जो भैंस गाय भी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि भी नई मंडी शुरुआत हुई, मात्र एक महीना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब व्यवस्थाएं दी हुई हैं, चारपाई का व्यवस्था, रहने खाने का व्यवस्था, ये देख सकते हैं यहाँ पे पानी का भी व्यवस्था दिया हुआ है। किसकी है? आप सामने आओ जा, सामने आओ जरा मीडिया में आप कुछ बोलो तब ही बाजार का मामला चलेगा। बढ़ाओ बढ़ाओ दोस्तों। ये देख सकते हैं अभी मैं आपको दूसरी भैंस दिखाने जा रहा हूँ इस बाजार की, दूसरी भैंस। ये हमारा पहला वीडियो है इस मंडी का, इसको आप देख सकते हैं। घुमाइए 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 अभी गाभिन है। इसका आप क्या दाम बता रहे हैं इसका भैंस का? 75-65। आप दाम गलत बता रहे हैं चचा, आप दाम गलत बता रहे हैं, दाम एकदम सटीक बताइए आप। Gracias.
बांध दे बांध 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 चाचा जी सामने आ जाए। यानी इसका आप दाम बताइए कि बताइए क्लियर जो बेचने वाले दाम बताइए आप, बेचने वाले दाम बताइए आप। बेचने वाले की 62,000। 62,000 हमको लेना नहीं है, ठीक है, हमको खाली वीडियो बनाना है। ठीक है, हमको वीडियो बनाना है, ठीक है, आप ठीक है ऐसा, ठीक है दाम बताइए कि कम से कम जो व्यापारी हूँ उनको सस्ता लगे। 53,54 मान लीजिए। 53,54 लास्ट? हाँ लास्ट 53,54 मान के चलिए। ये 53,54 में, यानी फर्स्ट में, जैसे सेकंड में, कौन से इलेक्शन में? ये फर्स्ट टाइम मानिए। कौन सी बार भी आएगी आपकी बारी है? दूसरी बार भी आएगी? हाँ दोला बच्चा देने जा रही है। अच्छा इसकी जो दूध की कैपेसिटी होगी, दूध की कैपेसिटी बताइए आप। क्या चीज़? दूध की कैपेसिटी। दूध की कैपेसिटी तो अच्छी होगी, मान करके 9 से 10 किलो निकाल देगी। हाँ निकाल देगी। 8 किलो आपको लिखो। चलो 9-10 मान ले रहे हैं, ठीक है 9-10 लिखिए आप। चलो 9-10 मान ले रहे हैं। अच्छा तो ये इस बाजार में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आती है? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती है? नहीं, सब यहाँ पे जैसे जो हमारे भाई जो व्यापारी लोग होते हैं बाहर से अगर आएंगे यहाँ पे तो उनको यहाँ पे सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। सब सुख सुविधा, चारपाई है, गद्दा है, रजाई है, खाने का व्यवस्था है, भूसा है, नाद है मेरे पास, टफ है, जी जी, जिसकी जो इच्छा है वो ले ले। जी जी, देखिए दोस्तों ये किसान भाई हैं। हाँ सब किसान भाई हैं। और ये अभी आपने देखा कि जो मंडी के मालिक थे आपसे मैंने संपर्क कराया। अब ये सब किसान भाई हैं, जो बताएंगे वही तो माना जाएगा भाई। और जो मंडी का मालिक होता है उनसे बताना कुछ नहीं होता है, जो सही जो किसान होते हैं उनका जरूरी बताना। मालिक थोड़ी हैं बाजार। जी जी, किसान को भाई जरूरी, तभी तो जान पाएगा कि यहाँ फुल सुविधाएँ पर दी हुई है। जी जी, ये भैंस किसकी और भैंस आपकी है? ये भैंस सर सब बड़ा बढ़ाइए, चलो ये भी हमारी है, बढ़ाइए खोल रहा हो कोई, ये भी गाभन है, ये भी गाभन है, ये बढ़ाइए देने वाले एक हफ्ता। हाँ भैया देखिए पीछे से तोला पड़ी है, ये भी दूसरी बार भी आएगी? हाँ दूसरा बच्चा देने जा रही है। घुमा लाओ घुमा लाओ। आप सामने आइए मेरे को, इसका क्या दाम बता रखे हुए आप? दाम तो 50,000 है। 50,000? अरे बताने वाली ना, बताने वाली, बताने 50,000 रुपये है। और बेचने वाली? बेचने वाली है 42 से 42। इसको छोड़ देंगे इसको? हाँ छोड़ देंगे। यानी दूसरी बार अभी भी आएगी? हाँ दूसरा बच्चा देने जा रही है। जी जी, यानी आपको यानी घर से लेकर आएँ कि कहीं से खरीद लेकर आएँ? नहीं नहीं हम किसान हैं, अपने घर से लाए। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है, हम किसान हैं अपने घर से लाए, बहुत अच्छी नस्ल की है। जरा आप सामने आइए, आपका शुभ नाम क्या बताया था? दयाराम यादव। दयाराम यादव, आपका कोई संपर्क नंबर? 9651 860 432। आपका गांव कहाँ पड़ता है? बरपही है, लोकल में गोरखपुर जिला हमारा है। जी का जी 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 जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दिया था जी। और इसका जो मिल्क है क्या निकाल देगी? 8 किलो से कम नहीं देगी, अधिक देगी। आटो निकाल देगी? हाँ पक्का एकदम। और सेकंड में यानी दूसरी बार भी आएगी? दूसरी बच्चा देने जा रही है। जी जी जी, ये भैंस किसकी है? ये भी अपनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ये खोल कर करते हैं। हेलो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं चार पाई पड़ा हुआ है हमारे वहाँ, चार पाई है, गद्दे हैं, देख सकते हैं आप, सबको देख लीजिए, बैठने उठने सोने की सब व्यवस्था है हमारे वहाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये आप देख सकते हैं जो व्यापारी आए हुए हैं सब लेटे हुए हैं, आगे देख सकते हैं।